हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूअर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साउंड वेव। के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। उससे पहले देखो एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, और सॉलिड भी मतलब कोई मेटल हो, तो ऑर्डर कितना आया था, 5500 मीटर पर सेकंड। और स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड, जैसे वाटर हो गया, तो ऑर्डर कितना आया था, 1500 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, और गैस में यहां पे एयर को ले रहा हूं, एयर भी एसटीपी पे, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट एसटीपी ये कितनी आई थी, 332 मीटर पर सेकंड। तो देख सकते हो साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और सबसे कम गैस में। ठीक है, साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा सॉलिड में होगी, फिर लिक्विड में होगी, और सबसे कम गैस में होगी। ठीक है, अब आओ आज के मेन टॉपिक पे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। उससे पहले देखो स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, मीडियम क्या गैस, वी, ये क्या आई थी, रूट गामा आर टी बाय एम नॉट। ठीक है, या रूट गामा पी बाय रो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, ये लैपलेस करेक्शन है ना, लैपलेस ने करेक्ट किया था न्यूटन को। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ना। तो देखो यहां पे गामा ये क्या था, सीपी बाय सीवी, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, या 1+2 बाय एफ। ठीक है, और टी टेम्परेचर ऑफ गैस यही था ऑब्वियसली इन केल्विन, एम नॉट मोलिक्यूलर वेट ऑफ गैस इन केजी पर मोल। मतलब अगर आप यहां पे मोलिकुलर वेट ऑफ गैस केजी पर मोल में पुट करोगे और टेम्परेचर को केल्विन में, आर तो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है ही, तो तब स्पीड ऑफ साउंड इन गैस मीटर पर सेकंड में आएगी। ठीक है, और पी क्या था, प्रेशर ऑफ गैस, और रो डेंसिटी ऑफ गैस, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अब आओ सबसे पहला इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। वो जो गैसियस मीडियम है ना, मैंने एयर ले ली। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ध्यान रहे टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट कर रहा हूं मैं, कीपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अब देखो यहां पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है ना एयर का, तो मैं दो केस लूंगा। देखो एक तो मेरी एयर ये है, ठीक है, मान लो एयर का प्रेशर P1, डेंसिटी ρ1, ठीक है, और गामा ऑफ एयर इज गामा, एयर का टेम्परेचर मान लो T, ठीक है, मोलिकुलर वेट ऑफ एयर m0। अब मैं क्या करूंगा, इस एयर का प्रेशर बढ़ा दूंगा, टेम्परेचर को वही रखूंगा, टेम्परेचर ऑफ एयर k
कीपिंग कॉन्स्टेंट। अब इस एयर का प्रेशर बढ़ा दूंगा, अब हो गया प्रेशर पी टू, और मान लो डेंसिटी हो जाएगी रो टू, गामा तो वही रहेगा, मोलिकुलर वेट ऑफ एयर वो भी वही रहेगा। तो मान लो मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, मतलब पी टू पी वन से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब देखो पी बाय रो आर टी बाय एम नोट होता है ना आइडियल गैस इक्वेशन, एयर का टेम्परेचर तो मैंने फिक्स रखा है टी, तो पी बाय रो तो कॉन्स्टेंट आ गया। तो अगर मैं एयर के प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो एयर की डेंसिटी क्या होगी, वो भी बढ़ेगी, बढ़नी चाहिए, तभी तो पी बाय रो कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। तो रो टू रो वन से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वो भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, आइडियल गैस इक्वेशन, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन ही है। तो टेम्परेचर ऑफ एयर कीपिंग कॉन्स्टेंट, तो पी वी कॉन्स्टेंट आ गया, ठीक है। तो अगर आप एयर के एयर के प्रेशर को बढ़ाओगे तो एयर का वॉल्यूम घटेगा ना, समझ रहे हो ना। मान लो आपके पास कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एयर है, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर लिया आपने, तभी तो एनआरटी कॉन्स्टेंट होगा ना। तो अगर आप एयर के प्रेशर को बढ़ाओगे तो एयर के वॉल्यूम को घटना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ एयर उतना ही है तो एयर का वॉल्यूम घटा है, तो इसका मतलब यहां पे ये एयर आइसोथर्मली कंप्रेस हुई है, ऐसा मैं बोल सकता हूं, ठीक है। एयर का वॉल्यूम घटा है, यहां पे एयर का वॉल्यूम मान लो वी वन था, यहां पे एयर का वॉल्यूम वी टू, तो वी टू वी वन से कम होगा, अमाउंट ऑफ एयर तो उतनी ही है तो वॉल्यूम घटा है एयर का, तो एयर की डेंसिटी को बढ़ना चाहिए ना, तो रो टू रो वन से ज्यादा होगी। यहां पे मैं एयर के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट मान रहा हूं, एयर के टेम्परेचर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो एयर की डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो मैं यहां पर देखना चाहता हूं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कीपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। यहां पे मैंने केवल प्रेशर बढ़ाया तो ऑब्वियसली डेंसिटी तो अपने आप बढ़ेगी, ठीक है। तो मान लो यहां पे इस एयर में साउंड की स्पीड होगी वी वन, इस एयर में साउंड की स्पीड होगी वी टू। अब मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं, रूट गामा आर टी बाय एम नोट, क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है ना, तो ये यूज करना बेटर रहेगा, रूट गामा आर टी बाय एम नोट। एयर का मोलिकुलर वेट भी वही, गामा भी वही, आर तो है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, और एयर का टेम्परेचर तो वही है, तो वी कॉन्स्टेंट आ गया, तो इसका मतलब वी वन विल बी इक्वल टू वी टू एंड दिस विल बी इक्वल टू रूट गामा आर टी बाय एम नोट। तो इसका मतलब जब आप एयर के टेम्परेचर को चेंज नहीं करोगे, एयर के टेम्परेचर को उतना ही रखोगे, तो आप बेशक से एयर के प्रेशर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर लो, एयर का प्रेशर चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो, जो स्पीड ऑफ साउंड है ना यहाँ पे और यहाँ पे सेम रहेगी, रूट गामा आर टी बाय एम नोट, ठीक है। प्रेशर को बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर को कम करोगे तो डेंसिटी को भी कम होना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक आप एयर के टेम्परेचर को फिक्स रखोगे ना, तो आप एयर का प्रेशर चाहे घटा लो चाहे बढ़ा लो, स्पीड ऑफ साउंड दोनों केसेस में सेम आएगी, नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ऑफ प्रेशर, लेकिन टेम्परेचर को फिक्स करना पड़ेगा आपने दोनों केसेस में, ठीक है। एयर के टेम्परेचर को उतना ही, तो आप एयर के प्रेशर को चाहे घटा लो चाहे बढ़ा लो, साउंड की स्पीड उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो अब देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर,
सेकंड केस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। तो देखो मान लो एक एयर मेरे पास ये है, गामा ऑफ एयर इज गामा, मोलिकुलर वेट ऑफ एयर इज एम नॉट। मान लो यहां पे एयर का टेम्परेचर है T1, ठीक है, और दूसरी एयर ये है, मान लो एयर का टेम्परेचर अब मान लो T2 हो गया। मान लो मैंने एयर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। गामा ऑफ एयर तो उतना ही रहेगा, मोलिकुलर वेट ऑफ एयर वो भी एम नॉट ही रहेगा, ठीक है। तो मान लो इस एयर में साउंड की स्पीड आएगी V1, इस एयर में साउंड की स्पीड आएगी V2। तो ये पता लगाना है कि V1 V2 से ज़्यादा होगा या V2 V1 से ज़्यादा होगा या दोनों ही बराबर होंगे। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से, एयर का टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी या उतनी रहेगी, ठीक है। कौन सा फॉर्मूले का यूज करूँ इसका? V इज इक्वल टू रूट गामा आर टी बाय एम नॉट। तो देखो स्पीड ऑफ साउंड यहां पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर द रूट ऑफ टेम्परेचर, तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड की स्पीड बढ़ेगी। तो इसका मतलब V2 V1 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर समझ में आ गया। एयर का टेम्परेचर बढ़ने से साउंड की स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, तो देखो मान लो मेरे पास एयर है एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। मेरे पास एयर है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो जो मेरे पास एयर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है ना, उस एयर में मान लो साउंड की स्पीड है वी नॉट, और जो कि कितनी होगी 332 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब एक तरह से STP, ठीक है ना। टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। और अब मैंने क्या किया, इस एयर का टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब इस एयर का टेम्परेचर हो गया मान लो T डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या कैपिटल T केल्विन, ठीक है। मान लो अब इस एयर में जो साउंड की स्पीड होगी वो मान लो V होगी, ठीक है। और देखो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 273 केल्विन, सही बात है। अब देखो V/V0 फ्रॉम दिस ये क्या आएगा? स्पीड ऑफ साउंड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना अंडर द रूट ऑफ टेम्परेचर के। टी क्या है यहां पे? टेम्परेचर ऑफ एयर। तो V/V0 ये क्या आएगा? अंडर द रूट, अब कैपिटल टी जो एक केल्विन में टेम्परेचर है इस एयर का, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? 273 प्लस टी इतना केल्विन, तो एक तरह से कैपिटल टी किसके बराबर आ गया? 273 प्लस टी। तो यहां पे जो टेम्परेचर है वो तो केल्विन में ही पुट होगा ना ऑब्वियसली, ठीक है। तो V/V0 फ्रॉम दिस ये क्या आ जाएगा? अंडर द रूट कैपिटल टी
273 प्लस स्मॉल टी डिवाइडेड बाय दिस टेम्परेचर इन केल्विन 273। ठीक है, तो देखो यहां से क्या आ गया, V इज इक्वल टू वी नोट इंटू में 1 प्लस स्मॉल टी बाय में 273 इसकी पावर 1/2। ठीक है, अब मान लो टी बाय 273 1 से काफी कम है, बहुत बहुत कम है, टी बाय 273 1 से काफी कम है, मतलब ऐसा मानो कि टी की मैक्सिमम वैल्यू जैसे कि 30 डिग्री सेल्सियस तक अलाउड, तभी तो टी बाय 273 1 से काफी कम आएगा। ठीक है ना, टी की स्मॉल टी की मैक्सिमम वैल्यू जैसे कि 30 डिग्री सेल्सियस होगी। ठीक है, और ये ध्यान रहे स्मॉल टी डिग्री सेल्सियस में ये टेम्परेचर, तो अगर ऐसा है स्मॉल टी बाय 273 इज मच लेस देन 1, मतलब ऐसा मानो कि स्मॉल टी की मैक्सिमम वैल्यू जैसे कि 30 डिग्री सेल्सियस हो, तभी तो स्मॉल टी बाय 273 1 से काफी कम आएगा। तब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू वी नोट इंटू में यूजिंग बाइनोमियल 1 प्लस 1/2 स्मॉल टी 273, ये 1/2 यहां पे आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, तो ये v कितना आ गया, ये आ जाएगा v नोट इंटू में 1 प्लस स्मॉल टी बाय 546। ठीक है, V नोट क्या है ये ध्यान रहे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब एक तरह से STP पे साउंड की स्पीड इन एयर जो कि 332 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, और जब उस एयर का टेम्परेचर स्मॉल T डिग्री सेल्सियस होगा तब उस एयर में मान लो साउंड की स्पीड है स्मॉल V। ठीक है, ये ध्यान रहे यहां पे स्मॉल T डिग्री सेल्सियस में पुट किया जाएगा, ये ध्यान रहे टी इन डिग्री सेल्सियस, स्मॉल टी इन डिग्री सेल्सियस पुट होगा। तो देखो मैंने यहां पे कौन सा केस लिया है, टी बाय 273 मच 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 लेस देन 1, तभी तो बाइनोमियल का मैं यूज कर पाया हूं, मतलब एक तरह से स्मॉल टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो 30 डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, स्मॉल टी की मैक्सिमम वैल्यू ऐसा मानो 30 डिग्री सेल्सियस तक अलाउड है, तभी तो स्मॉल टी बाय 273 तभी तो 1 से काफी कम आएगा। तो देखो V और स्मॉल टी में ग्राफ कैसा आया, स्ट्रेट लाइन आया। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन आएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, लिख लो ना, y मतलब v हो गया, mx x क्या हो गया t, मतलब v नोट बाय 546 स्मॉल t प्लस v नोट, y इज इक्वल टू mx प्लस c आ गई ना इक्वेशन, ये तो स्ट्रेट लाइन की होती है, ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, या लेकिन यहां पे एक बात ध्यान रहे, स्मॉल टी ज्यादा अलाउड नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तब ये फॉर्मूला स्मॉल टी 30 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होना चाहिए ऐसा मानो, क्योंकि जब ऐसा होगा ना तभी स्मॉल टी बाय 273 1 से काफी कम आएगा, तभी तो मैं यहां पे बाइनोमियल का यूज कर पाया और तभी तो ये y इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। ठीक है, तो अब देखो ये जो स्लोप आई है v नोट बाय 546, अब v नोट की वैल्यू मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जब एयर है तो साउंड की स्पीड क्या होगी उस एयर में 332 मीटर पर सेकंड, तो V नोट बाय 546 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.61 आ जाएगी नियरली। ठीक है,
तो मैं कौन सा केस ले रहा हूं जो कि रियल केस भी है, मान लो एयर एसटीपी पे है, मतलब टेम्परेचर एयर का 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन बोल सकते हो, तो तब उस एयर में साउंड की स्पीड वी नोट इन रियलिटी 332 मीटर पर सेकंड ही होती है ना। ये रियल केस के ले रहा हूं मैं, बिल्कुल रियल केस को, ठीक है। तो यहां पे वी नोट की जगह क्या पुट हो जाएगा, 332 मीटर पर सेकंड। वी किस में आएगा, ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड में। स्मॉल टी को डिग्री सेल्सियस में पुट करना होगा, और स्मॉल टी की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी अलाउड है, 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि तभी बाइनोमियल अप्लाई कर पाए हैं हम, तभी ये y इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, ठीक है। तो देखो ये स्लोप क्या बताता है, 0.7, ये स्लोप क्या बताता है कि मैं एयर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बड़ा हुआ ना, तो जो साउंड की स्पीड में इंक्रीज आएगा वो कितना आएगा, 0.61 मीटर पर सेकंड से साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी, जैसे जैसे मैं एयर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। तो साउंड स्पीड इंक्रीजेज बाय 0.61 मीटर पर सेकंड व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ एयर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे आप इस एयर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते जाओगे ना, तो जो साउंड की स्पीड में जो इंक्रीज आएगा वो कितना आएगा, 0.61 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होने से एयर का, तो साउंड की स्पीड कितने से बढ़ती जाएगी, 0.61 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। स्लोप यही बता रही है। तो अब देखो एनटीपी, मान लो मेरे पास एयर है एनटीपी पे, एनटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 293 केल्विन। ये मैं फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकता हूँ, जब स्मॉल टी 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर या उससे कम हो, एनटीपी पे एयर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये स्मॉल टी हो गया 20, तो 20 तो 30 से कम ही है ना, तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड, मतलब वी नोट कितना हो जाएगा, 332। तो एनटीपी पे, मतलब जब एयर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा, मतलब स्मॉल टी कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस, तब साउंड की स्पीड वो क्या होगी एनटीपी पे, ये वी फाइंड आउट करो। वी नोट की जगह 332 पुट कर दो, बाय में 540, स्मॉल टी की जगह 20, प्लस वी नोट 332, ठीक है। तो ये नियरली कितनी आएगी, नियरली की बात कर रहा हूं मैं, 343 मीटर पर सेकंड। वैसे तो ये 344 के आसपास आएगी, इसको आप कैलकुलेट करना, 344 मीटर पर सेकंड के आसपास आएगी। लेकिन एनटीपी पे अगर एयर है, मतलब एयर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो साउंड की स्पीड कितनी होती है, 343 मीटर पर सेकंड, इसलिए मैंने 344 नहीं लिखा, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पे मेरे को ये पता चल गया, अगर एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो साउंड की स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है। मान लो मेरे पास एयर है एसटीपी पे, मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो तब उस एयर में साउंड की स्पीड 332 मीटर पर सेकंड होती है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। और मान लो एयर का टेम्परेचर बढ़कर हो गया स्मॉल टी डिग्री सेल्सियस या कैपिटल टी केल्विन, तो कैपिटल टी क्या हो जाएगा, 273 प्लस स्मॉल टी, ऐसे तो बदलते हैं डिग्री सेल्सियस से केल्विन में। तो वी बाय वी नोट फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ध्यान रहे टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 273 प्लस स्मॉल टी बाय में 273। और ये ध्यान रही, यहां पे अब स्मॉल टी डिग्री सेल्सियस में है, तो इसको अप्लाई करो,
और ऐसा मान लो कि टी बाय 273 1 से काफी कम है, मतलब जैसे कि टी स्मॉल टी की मैक्सिमम वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस हो, तभी आप यहाँ पे बाइनोमियल अप्लाई कर सकते हो। तो जब आप बाइनोमियल अप्लाई करोगे तो वी वर्सेस स्मॉल टी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है। तो स्लोप कितनी आएगी यहां पे, 0.61, ठीक है। ये क्या बता रही है, जैसे मैं एयर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाऊंगा ना, तो साउंड की स्पीड में कितना इंक्रीज आएगा, बढ़ोतरी आएगी, 0.61 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने एयरली एनटीपी पे, मतलब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, स्मॉल टी क्या हो गया एक तरह से 20 डिग्री सेल्सियस, 20-30 से कम ही है ना, तो मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ फॉर्मूला। तो जब मेरी एयर एनटीपी पे हो, मतलब एयर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो, तो उस एयर में साउंड की स्पीड यूजिंग दिस फॉर्मूला वो कितनी आएगी। वैसे तो ये यूजिंग कैलकुलेटर 344 के आसपास आएगा, लेकिन हकीकत में होती है 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि अगर आप एयर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो साउंड की स्पीड बढ़ेगी। तो अब देखो थर्ड केस, फाइनल केस, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है, लास्ट केस है ये। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, तो देखो ऐसा पाया गया है, इट इज फाउंड दैट डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। मतलब एक तरह से एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज, डेंसिटी ऑफ एयर घटती है, ऐसा पाया गया है, ठीक है। प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज, ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया गया है, ठीक है। अब देखो ह्यूमिडिटी बढ़ने का मतलब क्या होता है, एयर में वाटर वेपर्स बढ़ जाए, ठीक है। तो जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ एयर है ना वो घटती है, मतलब जैसे एयर में वाटर वेपर्स बढ़ते जाएंगे ना, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी, तो जो डेंसिटी ऑफ एयर है ना वो घटती है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया गया। और देखो स्पीड ऑफ साउंड वो क्या होती है, रूट गामा पी बाय रो। तो देखो आप ह्यूमिडिटी बढ़ा रहे हो ना, तो एयर का प्रेशर तो वही है, एयर प्रेशर वो तो उतना ही रहेगा, 1 एटमोस्फेरिक रिमेन सेम। तो ह्यूमिडिटी के बढ़ने से एयर के प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होना, ठीक है। ह्यूमिडिटी के बढ़ने से एयर की जो डेंसिटी है ना रो वो घटेगी, तो डेंसिटी घटेगी तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी, तो वी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ने से साउंड की स्पीड बढ़ती है, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा रेनी डेज में, जब बरसात के दिन चल रहे हों, जैसे मॉनसून में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ना, ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई होती है, तो
तो रेनी डेज में मतलब जब ह्यूमिडिटी आई हो तो जो साउंड है ना और जल्दी ट्रैवल करती है, मतलब साउंड की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, साउंड वेव ट्रैवल फास्टर एज कंपेयर्ड टू इन ड्राई डेज, मतलब जब ह्यूमिडिटी कम हो, काफी कम हो, जैसे 10% 15%। रेनी डेज में तो जैसे ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई होती है मॉनसून वगैरह में, तो वहाँ पे तो ह्यूमिडिटी ऐसा होता है कि 90% तक पहुँच जाती है, 95% तक। लेकिन जो ड्राई डेज होते हैं, मतलब जहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी कम हो, जैसे कि 10% हो, 20% हो, 15% कुछ ऐसे, मतलब हवा में नमी कम हो, ड्राई डेज का मतलब हवा में वाटर वेपर्स कम हो, तो जो रेनी डेज होते हैं ना मॉनसून वाले, जहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई होती है, वहाँ पे साउंड की स्पीड है ना वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई डेज, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर समझ में आ गया, ह्यूमिडिटी बढ़ने से साउंड की स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। और ये बात ध्यान रहे, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है ना, तो उस ह्यूमिडिटी बढ़ने से एयर का प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा, ठीक है। हाँ, एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी जिससे वी बढ़ जाएगा, ठीक है। आपने देखा भी होगा रेनी डेज में साउंड फास्टर ट्रैवल करती है काफ़ी तेजी से, क्योंकि साउंड की स्पीड बढ़ गई ना रेनी डेज में, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मानसून वगैरह में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ना, तो साउंड की जो स्पीड है ना वो बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू इन ड्राई डेज। तो ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। तो जो आज का लेक्चर है और जो प्रीवियस लेक्चर था, इन दोनों के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।